नमस्कार, केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की ताजा सुर्खियों पर। पीएसआई भर्ती घोटाले के सिलसिले में 106 गिरफ्तार, कर्नाटका एचएम अरागा ज्ञानेंद्र ने दी जानकारी। कर्नाटका में पुलिस रिक्तियां 35,000 से घटकर 12,000 रह गयी, अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा। UGCET राउंड वन आवंटित 58,958 सीटों में से केवल 12,937 छात्र ही कॉलेज में रिपोर्ट किए। सती चार की होली की हिंदू चिट्ठी का व्यापक विरोध। बॉम्बे ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। भाजपा शासित HDMP ने ईदगाह मैदान में टीपू जयंती की अनुमति देने का फैसला किया। मुर्गा मठ के दृष्टा ने यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया, पुलिस का कहना। कर्नाटका के सीएम बोम्मई ने हिंदू टिप्पणी वापस लेने के पीछे जारकीहोली के तर्क पर सवाल किया। कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली ने बोम्मई को लिखा पत्र, हिंदू टिप्पणी के लिए मांगी माफी। मलकापुरे को परिषद प्रमुख के रूप में जारी रखे, कुर्बा नेताओं ने प्रधानमंत्री से कहा। मुर्गा मठ के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार। हुबली के ईदगाह मैदान में टीपू जयंती कार्यक्रम के विरोध में मुतालिक और समर्थक हिरासत में लिए गए। बादामी की यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, DKS ने कहा। कर्नाटका हाईकोर्ट ने सहमति की उम्र कम करने की सिफारिश की, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने कदम की सराहना की। त्रिवील्स यूनाइटेड ने शंकर नाग के जन्मदिन पर बेंगलुरु में मनाया ऑटो डे। 11 नवंबर को बेंगलुरु आएंगे पीएम मोदी, शहर में ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। कर्नाटका कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली ने हिंदू विरोधी बयान वापस लिया। बेंगलुरु हवाई अड्डे का आश्चर्यजनक नए टर्मिनल के अंदर का दृश्य है। बेंगलुरु पुलिस ने जनता के लिए स्टेशनों में पुस्तकालय स्थापित किए। कर्नाटका कोर्ट ने मंदिर की जांच के लिए मलाली मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दी। केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में आज इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।